नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी पे मैं हर रोज बातें कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी पे उठा पटक जारी है और एक समय ऐसा हुआ कि नेगेटिव में आ गया था और लगता था कि फिर से सब कुछ पुराने जैसा ही होगा, लेकिन फिर से उसमें रिकवरी आई कल के सत्र में और अपने दिन के उच्चतम स्तरों पे बैंक निफ्टी बंद हुआ। तो थोड़ी सी राहत की बात यह है कि बैंक निफ्टी सुधरा, निफ्टी भी सुधरा और रेगुलर 7 कंसेक्यूटिव सेशन से गिरने के बाद उसमें थोड़ी रुकावट देखने को मिली और तेजी बनी। अब आगे क्या क्या ट्रेड सेटअप बैठता है और क्या ट्रेड बनता है या ट्रेड नहीं बनता है, ये समझने की कोशिश एक रिपोर्ट के हिसाब से करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि दी बैंक निफ्टी आल्सो रिबाउंडेड राइजिंग 81 पॉइंट्स, 81 पॉइंट बड़ा बैंक निफ्टी 39,133 पे बंद हुआ एंड फॉर्मिंग ए डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है ऑन द डेली चार्ट्स में बना है, मेकिंग लोअर लोज फॉर्मेशन फॉर द 5th कंसेक्यूटिव सेशंस। लेकिन लोअर लोज फॉर्मेशन बना हुआ है और ये 5वें सेशन से हो रहा है। द बैंक निफ्टी इंडेक्स विटनेस सम बाइंग फ्रॉम द लोअर लेवल्स, तो लोअर लेवल से कुछ बाइंग देखने को मिलता है। इसमें वीकली एक्सपायरी डेट था, कल थर्सडे था, उसमें आपको ये मिला था। हाउएवर द अंडरटोन रिमेंस बियरिश एज लॉन्ग एज इट सेज बिलो द लेवल ऑफ 40,000, तो 40,000 से नीचे जब तक ये रहेगा तब तक कमजोरी इसमें रहेगी, तो ये रिपोर्ट में कहा गया है। ही फील्स द इंडेक्स इमीडिएट हर्डल स्टैंड्स एट 39,500, तो 39,500 पे इमीडिएट हर्डल्स है इसका। एंड सस्टेन अबव इट कैन विटनेस सम शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 40,000, तो 39,500 पे इसका इमीडिएट हर्डल है यानी वहीं रुका हुआ है। और अगर कुछ शॉर्ट कवरिंग आती है, शॉर्ट कवरिंग यानी जो शॉर्ट करके रखे हुए हैं, जो माल बेच के रखे हुए हैं, और अगर वो उसको फिर से बाय करने लगे तो वो 40,000 पे बैंक निफ्टी आ जाएगी। द डाउन साइड सपोर्ट इज एट 38,500, तो सपोर्ट लेवल का बात करें डाउन साइड में, नीचे के साइड में, तो 38,500 है। एंड इफ इट ब्रीचेज बिलो इट, इट विल लीड टू फर्दर सेलिंग प्रेशर, तो अगर 38,500 को तोड़ देती है तो इसके नीचे भी जा सकती है। द इम्पोर्टेंट पिवट लेवल्स विच विल एक्ट एज सपोर्ट 38,749, तो 749 का जो रहेगा पहला सपोर्ट रहेगा, दूसरा सपोर्ट रहेगा इससे 200 पॉइंट नीचे ले लीजिए 38,568, तो पहला 38,749 और दूसरा 38,568, फिर अगर वो भी तोड़ देता है तो रहेगा 38,274, तो 200 लेवल जो है 200 से 300 लेवल नीचे का सपोर्ट बनेगा अगर वो टूटता जाएगा तो। ऑन द अपसाइड की रेसिस्टेंस लेवल्स आर, अगर अपसाइड रेसिस्टेंस जिसको बोलते हैं, अपसाइड बोलते हैं वो है 39,336, तो 39,336 पे पहला रेसिस्टेंस बनेगा, दूसरा बनेगा 39,517 यानी 200 पॉइंट ऊपर। अगर 39,336 को तोड़ता है ऊपर का लेवल का तो 39,517 चला जाएगा,
और अगर उसको भी तोड़ता है तो वहाँ से 300 पॉइंट ऊपर पकड़ के चलिए, वो है 39,811। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।